हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड सीएसजीटी सलूजा वेलकमिंग यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है बच्चे आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में बच्चे हम लोग अपने ज्यूरिसप्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन, जनरल लॉ एंड इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ रिविजन लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज में आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग अपने ABCL के नए चैप्टर का रिविजन करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009। इससे लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ABCL के ही एक चैप्टर का रिवीजन किया था एंड द नेम ऑफ द चैप्टर वाज बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये वो क्वेश्चंस है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसको एग्जाम में आपको लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। जनरली एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं ऐसा कह रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में दिक्कत होती है, तो इन्हीं पर्टिकुलर क्वेश्चंस के विद आंसर्स हम लोग डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए आज की वीडियो को। और सबसे पहले देखिए आपके साथ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है, लिखा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लीगल मेट्रोलॉजी। बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन, कितने मार्क्स से पूछा जा सकता है सर? 3 to 4 मार्क्स की वेट था ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छा, अगर इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर अराउंड आप ऐसे मान के चलिए कि 4 से 5 मार्क्स की ही वेटेज रखेगा। बहुत ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए तो एक ही क्वेश्चन वैसे पूछा जाएगा, बहुत अच्छी किस्मत हुई तो 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्योंकि पार्ट सी अगर मैं बात करूं तो पार्ट सी ऑफ ABCL अपने आप में 35 मार्क्स का पूरा पोर्शन है और उसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत ज्यादा है, तो एक एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। अगर 2 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चैप्टर इतना लेंदी नहीं है और इतना ट्रिकी भी नहीं है कि आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है लीगल मेट्रोलॉजी, लीगल मेट्रोलॉजी का मतलब क्या है बच्चे? तो हम ऐसे बोलते हैं कि हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों का वेट किया जाता है, तोला जाता है, उसको मेजर किया जाता है सर, चीज़ों को नापा जाता है। यहाँ हिंदी में बोले तो लिख देंगे तोला जाता है, और मेजर करने का मतलब है तो बोल देंगे नापा जाता है। हम ऐसे बोलते हैं कि बहुत सारी जितनी भी मास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हमको वे करना होता है, तौलना होता है कि वो कितना है। लाइक वाटर है, एक लिक्विड आइटम है, उसको भी हम नापते हैं कि कितने लीटर ऑफ वाटर है। या हम ऐसे बोलें जो मास होता है उसको हम देखते हैं इन केजी, कितने किलो का मास है। फिर हम ऐसे देखते हैं कि जब हम कोई पर्टिकुलर लाइक से क्लॉथ परचेज करने चाहते हैं तो हम बोलते हैं 2 मीटर कपड़ा दे दो, 3 मीटर कपड़ा दे दो। मीटर ये भी एक क्या है? मेजरमेंट का तरीका है। तो हम ऐसे कहते हैं, इसी तरीके से हीट मेजर होती है, इसी तरीके से लाइट मेजर होती है, इसी तरीके से टेम्परेचर मेजर होता है, बिल्कुल होता है। तो कह रहे हैं जो ये डिफरेंट डिफरेंट वेइंग के तरीके हैं, वे करने के तरीके हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट के तरीके हैं, मेथड्स ऑफ वेमेंट एंड मेजरमेंट, इसके अलावा जिन इंस्ट्रूमेंट से हम इनको वे करते हैं, जिन इंस्ट्रूमेंट से हम इनको तौलते हैं, जिन इंस्ट्रूमेंट से हम इनको नापते हैं। अगर कभी आपने देखा हो तो जब हम कोई कपड़ा परचेज करने जाते हैं तो जनरली आपने देखा होगा जितने भी ये रेडीमेड कपड़े वाले, रेडीमेड तो मैं नहीं बोलूंगा हाँ, बट मैं ऐसे बोलूंगा कि जो कपड़ा बेचते हैं उनके आपने एक मीटर का स्केल देखा होगा, स्टील की रॉड देखी होगी और वो 1 मीटर की रॉड होती, उससे नापते हैं वो। तो कहते हैं ये जो मेजरमेंट के तरीके हैं, ये जो मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और जिस यूनिट में इनको मेजर किया जा रहा है, व्हाट इज द यूनिट? लाइक किलोग्राम इज द यूनिट, लीटर इज अ यूनिट, मीटर सेंटीमीटर इज अ यूनिट। तो हम ऐसे बोल रहे हैं कि वेमेंट और मेजरमेंट के तरीके, वेमेंट और मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स, और इनको किस यूनिट में मेजर करना है, जब हम इन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं लीगल मेट्रोलॉजी। अच्छा, हम उसको सिर्फ नाम देते हैं मेट्रोलॉजी, लेकिन जब हम बात करते हैं टेक्निकली लॉ के टर्म्स में, जब हम इन सब चीज़ों को मेजर करेंगे, इन सब चीज़ों की स्टडी करेंगे, तो उसको नाम दे देंगे लीगल मेट्रोलॉजी। तभी देखो सबसे पहला नाम, सबसे पहली लाइन लिखी हुई है द ब्रांच ऑफ नॉलेज। ये एक ऐसी नॉलेज है जो किसके रिगार्डिंग है? कंसर्निंग वेट्स एंड मेजर्स। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वेट्स एंड मेजर, इज टेक्निकली नोन एज लीगल मेट्रोलॉजी। तो ऐसी कोई भी नॉलेज जो किसके रिगार्डिंग हो, वेट एंड मेजर्स के रिगार्डिंग हो, दैट पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ नॉलेज इज टर्म्ड एज लीगल मेट्रोलॉजी। कहते हैं इन द बेसिक फॉर्म मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। अगर हम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बोले तो हम ऐसे बोलेंगे कि मेजर करने की एक तरीके की साइंस है जिसको हम नाम दे रहे हैं मेट्रोलॉजी। जैसे लाइक बायोलॉजी, सेम उसी तरीके से फिजिक्स, सेम उसी तरीके से केमिस्ट्री, सेम उसी तरीके से मेट्रोलॉजी। नाउ मेट्रोलॉजी इज व्हाट? इट इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। मेट्रोलॉजी इज व्हाट? इट इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। ठीक सर। सर अब हम आगे थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और डिटेल में लीगल डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। तभी लिखा लीगल मेट्रोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज दैट पार्ट ऑफ मेट्रोलॉजी विच डील्स विद,
कहते हैं लीगल मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी का एक वो पार्ट है जो डील करता है किससे, इसका मतलब हम कह सकते हैं मेट्रोलॉजी इज अ वर्ड विच इज ब्रॉडर इन इट्स मीनिंग, क्योंकि इट इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट विच इंक्लूड एवरीथिंग. लेकिन हम बोलेंगे कि मेट्रोलॉजी, जब हम लीगल मेट्रोलॉजी पे आ जाते हैं तो हम मेट्रोलॉजी को उस ब्रॉडर सेंस में नहीं पढ़ते, हम किस टर्म्स में पढ़ते हैं, कहते हैं इट डील्स विद द यूनिट्स ऑफ वेमेंट एंड मेजरमेंट. मार्क करिएगा यूनिट्स. सेकेंड नंबर पे मेथड्स ऑफ वेमेंट एंड मेजरमेंट. फिर थर्ड नंबर पे वेइंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. तभी ये तीन चीज़ों के बारे में मैंने बोला था कि क्या तरीके हैं वे करने के, क्या तरीके हैं मेजरमेंट करने के, किन इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिस पे वेमेंट होगी, मेजरमेंट होगी, किन यूनिट्स में वेट और मेजरमेंट किया जाएगा. ये सब क्लब कर दें तो हम बन जाते हैं ऑल दी वर्क्स विच आर रिलेटेड टू ऑल दीज थ्री एक्टिविटीज, दे ऑल विल बी टर्म्ड एज लीगल मेट्रोलॉजी. ठीक है, कहते हैं इन सो फार एज दे आर कंसर्न, एज दे कंसर्न स्टैचुरी टेक्निकल एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स. कहते हैं जब हम बात करते हैं स्टैचुरी टर्म्स की, मतलब जो लीगल लॉ में लिखा हुआ है, टेक्निकल टर्म्स में जो टेक्निकल रूल्स बनाए गए होंगे, या फिर बोले लीगल रिक्वायरमेंट्स जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी, कहते हैं विच हैव द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ. कहते हैं हम क्यों करते हैं ये सब चीज़ें, क्यों स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं. कहते हैं सो डैट द ऑब्जेक्ट ऑफ अश्योरिंग पब्लिक गारंटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑफ अप्रोप्रिएट एक्यूरेसी ऑफ वेमेंट एंड मेजरमेंट. कहते हैं ऐसा बहुत बार होता है, लाइक आपके घर के बाहर शायद आप लोगों ने देखा होगा सब्जी वाला आता है तराजू लेकर आता है, और हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी देखी हैं, वायरल वीडियोस भी देखी हैं जहाँ पे वो चोरी करते हैं. हम ऐसे बोलते हैं जब कोई तराजू लेकर आता है, अगर आपने देखा हो, बिल्कुल देखा होना चाहिए, अगर कोई तराजू लेकर आता है तो तराजू में ना एक बाटा रखा जाता है, बाटा जिसको हम बोलते हैं आयरन बार, जिसमें लिखा होता है 2 kg, 1 kg, 500 grams, 250 grams, 125 grams. कहते हैं ये बाटे होते हैं ना जो आयरन बार होते हैं, ये लोहे के बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं. कहते हैं अब अगर हम ऐसे बोलें कि एक बाटे पे लिखा है 2 kg, बिल्कुल लिखा है 2 kg, तो हम मान लेते हैं कि वो 2 kg का बाटा है, वो 2 kg का आयरन बार है. लेकिन बहुत लोग ऐसा करते हैं कि उस लोहे को घिसते हैं, उस लोहे को घिस के ऊपर अभी भी 2 kg लिखा होता है, लेकिन जब उसको आप टोटल वे करोगे एक्चुअल में तो शायद वो 2 kg का ना निकले. लोग ऐसी माल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं. जैसे हम ऐसे बोलते हैं जब हम किसी दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पे आजकल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन पड़ी होती है, लाइक आप मिठाई की दुकान पर जाइए, स्वीट शॉप पर जाइए, तो एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, उसमें वो डिब्बा रखता है और देखता है कि 1 kg हो गया कि नहीं हुआ, और उसमें डिजिटली फिगर्स में नंबर आ जाता है. कहते हैं उसमें भी टैम्परिंग हो सकती है, अंदर एक मशीन ही तो लगी है, उस मशीन में भी चेंजेस किए जा सकते हैं. हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं और पेट्रोल पंप वाले से बोलते हैं कि 10 लीटर पेट्रोल डाल दो, सर उसकी मशीन चालू हो जाती है डिजिटल टर्म्स में, उसमें भी तो एक छोटी सी मशीन अंदर इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है. कह रहे हैं ये सब क्या है, ये सब कह रहे हैं मेजरमेंट के तरीके हैं, वे करने के तरीके हैं, और इन्हीं सब चीज़ों पर ये एक्ट अपना कंट्रोल एक्वायर करता है. तो अगर अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज लीगल मेट्रोलॉजी, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि टेक्निकली द नॉलेज विच इज कंसर्न विद वे एंड मेजरमेंट, दैट इज लीगल मेट्रोलॉजी. अगर हमसे बोले कोई व्हाट इज मेट्रोलॉजी, तो हम बोलेंगे इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट विच इंक्लूड्स अ ब्रॉडर हेड. लेकिन जब लीगल मेट्रोलॉजी की बात करते हैं तो कहते हैं मेट्रोलॉजी का वो पार्ट विच इज कंसर्न विद द यूनिट्स ऑफ वेमेंट एंड मेजरमेंट, द मेथड्स ऑफ वेमेंट एंड मेजरमेंट, एंड द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज टू वे एंड मेजरमेंट. ठीक है, और इसके बाद भी हम ये कहते हैं कि जो ये लीगल मेट्रोलॉजी है ये कंसर्न किससे रखती है, स्टैचुरी लॉस से, अथॉरिटीज के लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन से, टेक्निकल डेवलपमेंट से, उन सब से ये कवर होता है, और ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है कस्टमर को कि उसके साथ धोखा नहीं हो रहा है. मतलब जो वे करने के तरीके हैं, जो मेजरमेंट करने के तरीके हैं, वो फुल्ली ऑथेंटिक हैं, बिल्कुल सही प्रॉपर मैनर में आपको वे करके चीज़ दी जा रही है. अच्छा, हम इस लीगल मेट्रोलॉजी में ये भी देखते हैं, जैसे एग्जांपल देते हैं कि एक पर्टिकुलर पैकेट, एक पैकेज्ड कमोडिटी आप परचेज करते हो, लाइक एक 10 रुपये की मैगी खरीदते हो, तो आपने देखा होगा जब 10 रुपये की मैगी खरीदते हैं तो उसमें डेट ऑफ मैनुफैक्चरिंग लिखी होती है, उसमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है, उसमें कस्टमर हेल्पलाइन नंबर दिया होता है, उसमें मैनुफैक्चरर की डिटेल्स दी होती हैं, उसमें पैकर की डिटेल्स दी होती हैं, उसमें क्वान्टिटी लिखी होती है. और कहते हैं ये सब चीज़ें क्यों लिखी गई हैं, कह रहे हैं ये सब चीज़ें कस्टमर को इन्फॉर्म करने के लिए बताया गया है, और वो इसी पर्टिकुलर लॉ का पार्ट है जिसकी वजह से हम अभी उसको इस तरीके से पैकिंग में ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. ये राइट है हमारा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में. मान लीजिए जैसे कि एक पर्टिकुलर पैकेज्ड कमोडिटी और उसमें लिखा है कि उसमें जो कंटेंट है वो 100 ग्राम्स है, लेकिन एक्चुअल में आपने वे किया और पता लगा वो निकला सिर्फ 70 ग्राम्स. कहते हैं ये वायलेशन है ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के प्रोविजंस का, गलत है सर, ये माल प्रैक्टिस है, ये एक ऑफेंस है. तभी हम ऐसे बोलते हैं कि अगर आप चोरी कर रहे हो, क्योंकि प्री पैकेज्ड कमोडिटी लोग करते हैं क्या है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाते हैं और पैकेज्ड कमोडिटी उठा के अपने बास्केट में डाल लेते हैं और परचेज कर लेते हैं, उसको वे नहीं करके देखते.
लेकिन अगर वे करने पे कोई भी किसी भी तरीके की डिस्क्रिपेंसी नजर आती है, पैकेज में कुछ और लिखा है और एक्चुअल में वो कुछ और है, तो इंटायर सिचुएशन गड़बड़ है, गड़बड़ है तो इंटायर सिचुएशन, जिस भी पर्टिकुलर पर्सन ने ये गलती की होगी उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। अब ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन नंबर 4 में हमको डिस्कस करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए देखते हैं लिखा है क्या प्री पैकेज्ड कमोडिटीज के बारे में। आइए देखते हैं क्या लिखा, ध्यान से देखिए। कह रहे प्री पैकेज्ड कमोडिटी क्या है, कहते हैं सेक्शन 2 क्लॉज एल में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। कहते हैं प्री पैकेज्ड कमोडिटी मीन्स अ कमोडिटी, ये एक ऐसी कमोडिटी है विच इज प्लेस्ड इन अ पैकेज। इतनी पहले इतनी लाइन को मार्क करिए। कह रहे कोई भी कमोडिटी जो पैकेज में पैक है, मतलब लूज फॉर्म में नहीं है। लाइक हम ऐसे बोलने जाते हैं, ऐसे बोलें कि हम चीनी लेने जाते हैं, आटा लेने जाते हैं, और बड़े 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 हम ऐसे बोलते हैं, हम लोग हमारे यहाँ यूपी में चलता है बोरों में, बोरे का मतलब होता है पैकेट में, लाइक 25 kg का पैकेट है, 50 kg का पैकेट है, और बल्क में एक साथ 50 kg ऑफ वीट आ रहा है, लेकिन हमको हमारे महीने भर के राशन के अकॉर्डिंग 50 kg ऑफ वीट नहीं चाहिए, हमको 10 kg का पैकेट चाहिए। तो आप देखते हैं पतंजलि का 10 kg का पैकेट आ रहा है। तो कह रहे हैं ये पैकेज्ड कमोडिटी है, छोटे छोटे पैकेज में इसको बना के बेचा जा रहा है, ठीक है। कह रहे हैं फिर प्री पैकेज्ड कमोडिटी हुई क्या, प्री पैकेज्ड का मतलब है जब परचेजर उसको खरीदने जा रहा है तो उसको सेलर की रिक्वायरमेंट नहीं, उसको किसी सेल्समैन की रिक्वायरमेंट नहीं, वो डिपार्टमेंटल स्टोर में जा रहा है, पैकेज्ड कमोडिटी है, उसको पलटता है, उस पैकेज्ड कमोडिटी में एवरी इंफॉर्मेशन इज देयर, कस्टमर खुद अपनी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में सारी इंफॉर्मेशन पढ़कर उसको अपने बास्केट में डालना चाहे तो डाल सकता है, खरीदना चाहे तो खरीद सकता है, उसको किसी सेल्समैन की हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए वो उस प्री पैकेज्ड कमोडिटी में ऑलरेडी दी हुई होगी। तभी लिखा इट इज अ कमोडिटी विच इज प्लेस्ड इन अ पैकेज विदाउट द परचेजर बीइंग प्रेजेंट वेदर सील्ड और नॉट एंड सच पैकेज हैज अ प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट। कह रहे हैं वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सील भी हो सकता है, सील नहीं भी हो सकता, या वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ध्यान से सुनिएगा प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी विल बी अवेलेबल, predetermined quality। अच्छा ध्यान से pre-packaged commodity के बारे में ये भी लिखा without the purchaser being present, अभी खरीदार नहीं आया लेकिन वो packaged commodity already pack हो चुकी है, अभी खरीदार नहीं आया, अभी पता नहीं कि लोग खरीदेंगे भी कि नहीं खरीदेंगे, बट उसको पैक पहले कर दिया गया। जनरली हम ऐसे बोलते हैं जब हम किसी दुकान पे जाते हैं वो प्रोडक्ट पसंद आता है तो ही तो हम उसको पैक करवाते हैं, इसका मतलब जब भी हम किसी दुकान पे जाते हैं तो परचेजर खुद दुकान पे जा रहा है और उस कमोडिटी को पैक करा रहा है, लेकिन प्री पैकेज्ड कमोडिटी तो परचेजर के आने से पहले ही पैक हो जाती है। बिल्कुल सही बात है सर। तभी देखो लिखा कमोडिटी विच इज प्लेस्ड इन अ पैकेज, ऐसी कोई भी कमोडिटी जो पैकेज में है बिना परचेजर के आए ही उस पर्टिकुलर कमोडिटी को पैक कर दिया गया है, सील किया गया है या नहीं किया गया वो अलग बात है, लेकिन उस पर्टिकुलर पैकेज पे प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी पहले से लिखा हुआ है कि कितनी क्वांटिटी ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ये पर्टिकुलर पैकेज होल्ड करता है, यही है क्या प्री पैकेज्ड कमोडिटी। और कह रहे हैं ये प्री पैकेज्ड कमोडिटी में ना ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन सर डिस्क्लोज करनी होती है, हु इज़ द मैन्युफैक्चरर, हु इज़ द पैकर, हो सकता है मैन्युफैक्चरर अलग हो और पैकिंग करने वाली यूनिट अलग हो सकता है मार्केटर अलग हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर अलग हो, जितने लोग अलग अलग होंगे सबकी इन्फॉर्मेशन होगी, आप प्रोडक्ट के पीछे जाके देखेंगे आपको मिलेगा। फिर ये भी लिखना होगा कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितनी क्वांटिटी है, बिल्कुल लिखना होगा सर। फिर ये भी लिखना होगा कि इस पर्टिकुलर लॉट को कब मैन्युफैक्चर किया गया, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, बिल्कुल लिखा होगा सर, बिल्कुल लिखा होगा सर। कस्टमर का कोई ग्रीवियंस है, कस्टमर की कोई क्वेरी है तो कस्टमर हेल्पलाइन नंबर भी आज प्रेजेंट टाइम पे दिया गया होगा, जहां पर आप कॉल करके कस्टमर अपनी क्वेरी रजिस्टर करा सकता है, बिल्कुल दिया होगा सर। ये इन्फॉर्मेशन अगर गलत निकली, अगर ये इन्फॉर्मेशन क्या निकली, गलत निकली तो सर इंटायर सिचुएशन, इन्फॉर्मेशन गलत निकलने पर पेनल्टीज इम्पोज होंगी, क्या होंगी, पेनल्टीज इंपोज होंगी, और पेनल्टीज कौन सी इंपोज होंगी, देखिए नीचे लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑन प्री पैकेज्ड कमोडिटी। कहते हैं हमको कुछ डिक्लेरेशन करनी होती है प्री पैकेज कमोडिटी में, और वो डिक्लेरेशन कौन सी डिक्लेरेशन है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। कहते हैं नो पर्सन शैल मैन्युफैक्चर, कह रहे कोई भी पर्टिकुलर पर्सन मैन्युफैक्चर ना करे, पैकिंग ना करे, सेल ना करे, इंपोर्ट ना करे, डिस्ट्रीब्यूट ना करे, डिलीवर ना करे, नॉर ही और शी शुड ऑफर फॉर सेल एनी प्री पैकेज कमोडिटी अनलेस सच पैकेज इज इन स्टैंडर्ड क्वांटिटीज। कहते कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी पैकर, कोई भी सेलर, कोई भी इंपोर्टर, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी डिलीवरर, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन इस प्री पैकेज कमोडिटी को तब तक ना बेचे जब तक अनलेस सच पैकेज इज इन स्टैंडर्ड क्वांटिटीज, जब तक उस पर्टिकुलर पैकेज में जितनी क्वांटिटी होनी चाहिए थी या जितनी क्वांटिटी मेंशन है उतनी क्वांटिटी ना आ जाए। और नंबर, नंबर का मतलब जैसे ऐसे होता है कि जब हम लाइक टॉफी परचेज करने जाते हैं टॉफी, तो हम उसमें बोलते हैं कि दिस पैकेज कंटेन 100 pieces ऑफ टॉफीज, तो वो नंबर ऑफ क्वांटिटी है। एंड बियर्स प्रिस्क्राइब्ड डिक्लेरेशंस एंड पर्टिकुलर्स, और उसमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जब तक डिक्लेयर ना की गई हो
तब तक वो उसको सेल ना करे। सेकेंड नंबर कहते हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करवा रहे हो, जो टीवी पे एडवर्टीजमेंट आता है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आता है, मैगजीन्स में एडवर्टीजमेंट आता है, कहते हैं एनी एडवर्टीजमेंट मेंशनिंग द रिटेल सेल प्राइस ऑफ अ प्री पैकेज कॉमोडिटी, अगर आप कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हो और उसमें आप अपने पैकेज्ड कॉमोडिटी का अमाउंट बता रहे हो कि इसका सेल प्राइस क्या है, कि मैगी 10 रुपए की मैगी, केचप 100 रुपए का केचप, इट शैल ऑल्सो कंटेन अ डिक्लेरेशन एज टू द नेट क्वांटिटी और नंबर ऑफ द कॉमोडिटी कंटेन इन द पैकेज। सर सर अगर आप वहां पे अपना रिटेल सेल प्राइस बता रहे हो, क्या बता रहे हो, रिटेल सेल प्राइस बता रहे हो, तो आपको यह भी बताना होगा कि उस रिटेल सेल प्राइस में आप पैसा खर्च करके कितनी क्वांटिटी अर्न करोगे, कितनी क्या अर्न करोगे, क्वांटिटी अर्न करोगे। रिटेल सेल प्राइस बता रहे हो तो उस रिटेल सेल प्राइस में आपको क्या क्वांटिटी और नंबर ऑफ कॉमोडिटी मिलेगी। इसके अलावा हम ऐसे बोल रहे हैं कि सेक्शन 18 हमको यही कहता है कि डिक्लेरेशन देनी है अबाउट व्हाट, अबाउट प्री पैकेज कॉमोडिटी, और हम ऐसे बोल रहे हैं कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जब तक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज ना हो जाए प्री पैकेज कॉमोडिटी पर, तब तक वो ना उसको मैन्युफैक्चर करने के बाद ना उसको सेल करे, किसी भी तरीके से कस्टमर तक ना पहुंचाए जब तक ये सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं हो जाती। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हम ऐसे बोल रहे हैं कि अगर वो एडवर्टीजमेंट भी कराना चाहता है तो एडवर्टीजमेंट भी तब कराए, अगर एडवर्टीजमेंट में वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रीसेल प्राइस बता रहा है तो उसके साथ वो क्वांटिटी भी बताए कि उस प्राइस में कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे या कितने क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, कहते हैं अगर आपने नॉन स्टैंडर्ड पैकेजेस का मतलब है कि अगर आपने जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन प्री पैकेज्ड कॉमोडिटी में प्रेजेंट होनी चाहिए थी बट आपने प्रेजेंट नहीं की और बिना प्रेजेंट किए ही उसको सेल करने की कोशिश की, तो सेक्शन 36 बीच में आ जाता है और वो आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज करता है। और देखिए इसकी लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली सेक्शन 18 से मिलती हुई है, तभी देखो लिखा है हु एवर मैन्युफैक्चर्स, ऊपर लिखा था मैन्युफैक्चर कर लीजिए बट बेचिएगा नहीं, हु एवर मैन्युफैक्चर्स, हु एवर पैकेज्ड, हु एवर इम्पोर्ट्स, हु एवर सेल्स, डिस्ट्रीब्यूट्स, डिलीवर्स और अदरवाइज ट्रांसफर्स, ऑफर्स और एक्सपोजेस और पजेसेस फॉर सेल और cause to be sold, distributed, delivered or otherwise transferred, offered, exposed for sale। सर ध्यान से सुनिए, ये अलग अलग वर्ड्स लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां तक अलग पढ़िएगा, यहां तक लिखा है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन whoever manufactures, और ये बात अलग है, इतनी लाइन को अलग पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, कह रहे हैं whoever, कोई भी मैन्युफैक्चर करता है, पैक करता है, सेल करता है, इंपोर्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिलीवर करता है या ट्रांसफर करता है किसी थर्ड पर्सन को, ऑफर करता है फॉर सेल कि भाई खरीद लो, हमने मैन्युफैक्चर की और हम सेल करने के लिए ऑफर दे रहे हैं कि खरीद लो, या फिर हमने एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी को सेल करने के लिए एक थर्ड पर्सन को दे दिया है कॉजेस टू बी सोल्ड, हमने एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी, जैसे मान लीजिए हमने ये पर्टिकुलर कॉमोडिटी बनाई और इसको बेचने के लिए दे दिया है किसी थर्ड पर्सन को कि आगे सेल कर देना, लेकिन अभी तक इस पर्टिकुलर प्री पैकेज्ड कॉमोडिटी पे वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, वो डिक्लेरेशन अभी डिक्लेयर नहीं की गई है जो की जानी चाहिए थी, तभी लिखा एनी प्री पैकेज्ड कॉमोडिटी विच डज नॉट कन्फर्म टू द डिक्लेरेशंस ऑन द पैकेज। सर ये जो प्री पैकेज कॉमोडिटी है जिसको बेचा जा रहा है, इस पर्टिकुलर प्री पैकेज कॉमोडिटी के डिक्लेरेशन जो होने चाहिए थे वो सही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि अंदर इन्फॉर्मेशन कुछ और, पैकेज में इन्फॉर्मेशन कोई और लिखी है बट एक्चुअल में क्वांटिटी कुछ और है, गलत इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर दी है। देन इन दैट सिचुएशन दैट पर्टिकुलर पर्सन जो भी ऐसा करेगा शैल बी पनिशेबल एज फॉलोज, पनिशमेंट होगी सर, पनिशमेंट क्या लिखी है, कह रहे अगर पहली बार गलती करोगे तो फाइन लगेगा विच में एक्सटेंड टू ₹25,000, सर दूसरी बार गलती करोगे सेकंड ऑफेंस विद फाइन विच में एक्सटेंड टू ₹50,000, मतलब पहली बार गलती करने पे 25,000, दूसरी बार गलती करने पे 50,000, तीसरी बार बाद में गलती करोगे, तीसरी चौथी पांचवी बार, दो बार गलती तक तो फाइन लगेगा, उसके बाद जितने भी सबसीक्वेंट ऑफेंसेस होंगे विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन ₹50,000, मिनिमम 50,000 का फाइन विच में एक्सटेंड टू ₹1,00,000, जो ₹1,00,000 तक एक्सटेंड हो सकता है, और विद या फिर पेनल्टी भी लग सकती है विद इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर और विद बोथ, मतलब फाइन भी लग सकता है, सिर्फ जेल भी हो सकती है या दोनों चीजें भी हो सकती है। तो पहली बार गलती करोगे तो 25,000, दूसरी बार गलती करोगे तो 50,000, तीसरी बार गलती करोगे तो 50,000 से लेकर ₹1,00,000 तक का फाइन, या तो सिर्फ फाइन लगा के भी छोड़े जा सकते हो या फिर जेल भी हो सकती है 1 साल तक की, या फिर दोनों चीजें हो सकती हैं, फाइन प्लस इम्प्रिजमेंट बोथ।
तो इन दिस सिचुएशन सेक्शन 36 का हमने सबसेक्शन 1 तो कवर कर लिया। अब हमको ये समझ में आ गया कि सेक्शन 18 में हमको बोला गया था कि कुछ चीज़ों को डिक्लेयर करना है, और सेक्शन 36 का सबसेक्शन 1 कहता है अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो चीज़ों को डिक्लेयर करने की, और बिना डिक्लेयर किए उसने वो पर्टिकुलर कॉमोडिटी को सेल करने की कोशिश की या सेल करने के लिए किसी थर्ड पर्सन को दे दिया, तो इन दैट सिचुएशन दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी हेल्ड लायबल और पेनल्टी होंगे सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 के। सेक्शन 36 सबसेक्शन 2 ये और पर्टिकुलर पर्सन को डील करता है कैसे, आइए देखते हैं। कहते लिखा whoever manufactures or packs or imports or causes to be manufactured or packed or imported any pre-packaged commodity with error in net quantity। कह रहे यहां पे जो सबसेक्शन 2 है ना, सिर्फ और सिर्फ यहां नेट क्वांटिटी की बात बोली गई है। अच्छा यहां पर हम ऐसे बोले तो यहां पे सिर्फ तीन लोगों को कवर किया गया है, जो मैन्युफैक्चर करता है, जो पैक करता है या जो इंपोर्ट करता है। Whoever manufactures, whoever packs, whoever imports। अब ध्यान से सुनिएगा, सर इन्होंने पैकिंग करी, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की, इन्होंने कमोडिटी इंपोर्ट की, अब आगे सेल करने के लिए ही की होगी, लेकिन इन्होंने स्टार्टिंग से ही गलती करके रखी है नेट क्वांटिटी। अच्छा ऊपर वाले में हम ऐसे बोल रहे थे कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो मैन्युफैक्चर करता है, पैक करता है, इंपोर्ट करता है, सेल करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिलीवर करता है, इसका मतलब जो सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 था ये बहुत ब्रॉडर टर्म्स में था क्योंकि सब लोगों को कवर कर रहा था। लेकिन सर सबसेक्शन 2 जो है ये सिर्फ उन लोगों को कवर कर रहा है जिनकी सच में क्वांटिटी डालने की हम ऐसे बोलेंगे ड्यूटी है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर करता है उसको पता होता है कि उस पर्टिकुलर पैकेज कमोडिटी में वो कितनी क्वांटिटी डालेगा, पैकिंग करने वाले को पता है कि वो कितनी क्वांटिटी डाल रहा है, इंपोर्ट करने वाले को पता है कि वो कितनी क्वांटिटी इंपोर्ट करने जा रहा है। तो इन दैट सिचुएशन सर इन तीन लोगों के ऊपर, मैन्युफैक्चरर के ऊपर, पैकर के ऊपर, इंपोर्टर के ऊपर, अगर इन्होंने प्री पैकेज कॉमोडिटी पे जो नेट क्वांटिटी की फिगर लिखी है वो अगर गलत लिखी है तो डैट पर्टिकुलर पर्सन, मैन्युफैक्चरर, पैकर, इंपोर्टर, जिसकी गलती होगी, डैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी हेल्ड लायबल, विल बी पनिशेबल फॉर द फर्स्ट ऑफेंस विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन ₹10,000 बट विच में एक्सटेंड टू 50,000। ऊपर था 25, 50, 50 से 1,00,000, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 10 से लेके 50,000 के बीच में, और सेकेंड एंड सबसिक्वेंट ऑफेंस के लिए। ऊपर था फर्स्ट सेकेंड देन सबसिक्वेंट, यहाँ पे आए फर्स्ट सेकेंड एंड सबसिक्वेंट विद फाइन विच में एक्सटेंड टू ₹1,00,000 और इम्प्रिजमेंट अप टू 1 year और विद बोथ। अगर हम तीनों चीज़ों को एक साथ लिखें तो हम ऐसे बोलते हैं सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 जो है ये बात कर रहा था फर्स्ट ऑफेंस की, ये बात कर रहा था सेकेंड ऑफेंस की, और ये बात कर रहा था सबसीक्वेंट ऑफेंस की। बिल्कुल ठीक बात है सर। सर जब हम सेक्शन 36 सबसेक्शन 2 पे आए तो ये बात करता है फर्स्ट ऑफेंस की और ये बात करता है सेकेंड, एंड साथ ही में लिख देता है सबसीक्वेंट। सर यहाँ फर्स्ट ऑफेंस में जो पेनल्टी अमाउंट था, जो फाइन था, वो ₹25,000 का था। सर यहाँ पे ₹50,000 का फाइन था। सर सबसीक्वेंट ऑफेंस में ₹50,000 से लेकर के ₹1,00,000 तक का फाइन था। कितने रुपए तक था? ₹1,00,000 तक का फाइन था। और सर यहाँ पे प्लस जेल के प्रोविजंस भी थे, दोनों भी लग सकते थे, कोई एक भी लग सकता था, और जो इम्प्रिजमेंट थी वो 1 year तक की थी। ठीक है सर। जब सर सेक्शन 36 सबसेक्शन 2 पे आए तो फर्स्ट ऑफेंस के लिए यहाँ फाइन लिखा हुआ है 10,000 से लेकर के 50,000 तक। बिल्कुल ठीक बात है सर। और उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड नंबर पे तो हम बोल रहे हैं विच मे एक्सटेंड टू ₹1,00,000, जेल भी है। कितने टाइम की? 1 साल की। उम्मीद करता हूँ बच्चे बात क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं सर, जरा आगे देखते हैं। कहते हैं सर क्या यहाँ पर हम बोलें कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में किसी पर्टिकुलर पर्सन को पावर दी गई है रिगार्डिंग इंस्पेक्शन एंड सीजर? किस चीज की इंस्पेक्शन करेंगे, किस चीज की सीजर करेंगे? लाइक एग्जांपल देते हैं सर, किसी लीगल मेट्रोलॉजी अथॉरिटी को पता लगा कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो ये प्री पैकेज्ड कॉमोडिटी को सेल कर रहा है बिना डिक्लरेशंस के, जो रिक्वायर्ड डिक्लरेशन उसको प्रेजेंट करनी चाहिए थी, या सर हम ऐसे बोलें कि कोई पर्टिकुलर पर्सन वेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स या वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स या मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को गलत तरीके से बनाकर बेच रहा है, इलीगल तरीके से सेल कर रहा है, या सर हम ऐसे बोले कि कोई पर्टिकुलर पर्सन ऐसा है जो वेइंग मशीन्स में टैम्परिंग करना जानता है और उसने वेइंग मशीन्स में टैम्परिंग करनी शुरू कर दी है, और मार्केट में ऐसी बहुत सारी वेइंग मशीन्स आ गई हैं जो टैम्पर्ड फिगर्स दिखाती हैं, गलत फिगर दिखाती हैं, एक्चुअल में वेट कुछ और पड़ा होता है लेकिन उसमें दिखता कुछ और है। लाइक एग्जाम्पल देते हैं, हम डिजिटल फिगर्स में लिखकर आएगा 1 kg हो गया, लेकिन जो एक्चुअल में माल पड़ा होगा, जो एक्चुअल में कॉमोडिटी होगी, वो शायद सिर्फ 850 ग्राम हो, 900 ग्राम हो, 950 ग्राम। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे चाहें तो क्या हम किसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर, पैकर, डिस्ट्रीब्यूटर, किसी पर्टिकुलर रिटेल शॉप पे क्या इंस्पेक्शन कर सकते हैं? यस, सेक्शन 15 आता है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखता है। कहते हैं सेक्शन 15 ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट कन्फर्स, इट गिव्स पावर्स ऑफ इंस्पेक्शन
सीजर एक्सेट्रा एंड इट स्टेट्स दैट सर पावर दे दी है इंस्पेक्शन करने की भी और साथ में साथ इंस्पेक्शन करने के बाद अगर कुछ कमी लगे तो सीज कर लेना कॉमोडिटी को. आइए देखते हैं क्या लिखा है. कहते हैं द डायरेक्टर कंट्रोलर और एनी लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर. कहते हैं इस पर्टिकुलर एक्ट में आपको तीन पार्टीज को देखने को मिलेगा, तीन अथॉरिटीज को देखने को मिलेगा. सबसे ऊपर होता है डायरेक्टर, उसके नीचे है कंट्रोलर, उसके नीचे है लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर. कहते हैं दे मे इफ ही हैज एनी रीजन टू बिलीव. अगर उनके पास कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है, whether from any information given to him by any person, या तो कोई थर्ड पर्सन उस लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर डायरेक्टर कंट्रोलर को वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाए कि सर कहीं गड़बड़ हो रही है, एंड टेकन डाउन इन राइटिंग, और जिसने वो कंप्लेंट रजिस्टर कराई है उसको रिटर्न में ले लिया है, और फ्रॉम पर्सनल नॉलेज और अदरवाइज, या उसको खुद को शक हो रहा है किसी लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर को किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की प्रैक्टिसेस को देखकर, या किसी और तरीके से उसको पता लगा है किसके बारे में, डैट एनी वेट और मेजर और अदर गुड्स इन रिलेशन टू विच एनी ट्रेड एंड कॉमर्स हैज टेकन प्लेस. कह रहे कोई वेट या कोई मेजर या किसी और तरीके का कोई इंस्ट्रूमेंट इन रिलेशन टू विच या किसी और तरीके का कोई कॉमोडिटी जिसके रिगार्डिंग ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटी चल रही है और इज इंटेंडेड टू टेक प्लेस, या कोई ट्रेडिंग या कॉमर्शियल एक्टिविटी होने वाली है, एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट अपीयर्स टू हैव बीन. और सर ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी होने जा रही है या हो रही है या हो चुकी है, ये पर्टिकुलर एक्टिविटी एक ऑफेंस है. ये पर्टिकुलर एक्टिविटी इस लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के प्रोविजंस का वायलेशन करती है और इज लाइकली टू बी कमिटेड आर आइदर केप्ट और कंसील्ड इन एनी प्रेमाइसेज और इन द कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. या सर उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी को जिसकी वजह से लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के प्रोविजंस का वायलेशन, मैंने आपको बोला कि कोई वेमेंट है, कोई इंस्ट्रूमेंट है वे करने का, कोई इंस्ट्रूमेंट है मेजरमेंट करने का, और उसमें टैम्परिंग हो चुकी है, तो यहाँ पे लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर डायरेक्टर्स कंट्रोलर्स को पावर दी जा रही है कि अगर उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी को शायद कहीं छुपा कर रखा गया, या सर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को शायद ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कहीं और भिजवाया जा रहा है, तो इन तीनों ही ऑफिसर्स के पास पावर है टू मेक एंट्री एट एनी रीजनेबल टाइम इनटू एनी सच प्रीमाइसेस एंड सर्च फॉर एंड इंस्पेक्ट एनी वेट मेजर और अदर गुड्स इन रिलेशन टू विच ट्रेड एंड कॉमर्स हैज टेकन प्लेस और इज इंटेंडेड टू टेक प्लेस एंड एनी रिकॉर्ड रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट रिलेटिंग देयर टू. तो सर यहाँ पावर दी गई इन लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर्स को डायरेक्टर्स को कंट्रोलर्स को कि वो किसी भी प्रेमाइसिस में रीजनेबल टाइम में एंटर कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर प्रेमाइसिस की सर्च कर सकते हैं, वहाँ पड़े वेमेंट प्रोडक्ट्स की, वहाँ पड़े अदर कॉमोडिटीज़ की जिनका ट्रेड एंड कमर्शियल और एक्टिविटीज़ से लेना देना है, उनकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं. अगर उन पर्टिकुलर पर्सन के पास जिसकी प्रेमाइसिस में ये सर्च चल रही है उनके रिकॉर्ड्स अगर अपनी कस्टडी में लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, रजिस्टर्स कस्टडी में लेना चाहें तो वो ले सकते हैं. सर अभी तो सिर्फ सर्च हुई है, इंस्पेक्शन हुई है. सेकंड नंबर पॉइंट कहता है दे मे ऑल्सो सीज एनी वेट मेजर और अदर गुड्स एंड एनी रिकॉर्ड रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट और आर्टिकल विच ही हैज रीजन टू बिलीव. हु इज ही? तो यहाँ पे ही कहते हैं लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर्स, यहाँ पे ही कहते हैं डायरेक्टर्स, यहाँ पे ही कहते हैं अदर कंट्रोलर्स. कहते हैं इफ दे आर हैविंग एनी रीजन टू बिलीव मे फर्निश एविडेंस इंडिकेटिंग डेट एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट हैज बीन और इज लाइकली टू बी कमिटेड इन द कोर्स ऑफ इन रिलेशन टू एनी ट्रेड इन कॉमर्स. तो सर ऊपर फर्स्ट नंबर पे तो यहाँ पे सिर्फ सर्च एंड इंस्पेक्शन हो रही थी, यहाँ नीचे क्या हो गया सर, सर्च एंड इंस्पेक्शन के अलावा यहाँ पे सीजर हो गया, कॉमोडिटी को सीज भी किया जा रहा है. तो इन दैट सिचुएशन यहाँ दोनों ही पॉइंट्स में हम ऐसे बोल रहे हैं कि लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर और कंट्रोलर और डायरेक्टर्स को पावर दे दी गई कि वो सर्च भी कर सकते हैं, इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, साथ ही साथ कॉमोडिटी को सीज कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि ये पर्टिकुलर कॉमोडिटी या पर्टिकुलर वे या पर्टिकुलर मेजरमेंट का तरीका एक एविडेंस बन सकता है रिगार्डिंग द प्रूफ, जिसके बेसिस पे हम वो प्रूफ कर सकें कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन ने ऑफेंस किया है. ठीक है, कहते हैं वेयर एनी गुड सीज आर सब्जेक्ट टू स्पीडी और नेचुरल डीके. कह रहे मान लीजिए आपने कोई पर्टिकुलर कॉमोडिटी को सीज किया लेकिन उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं है, वो जल्दी से जल्दी खराब हो सकती है, देन द डायरेक्टर कंट्रोलर और लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर मे डिस्पोज ऑफ सच गुड्स इन मैनर प्रिस्क्राइब. अगर वो उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी को, क्योंकि वो ऐसे नेचर की है जो पेरिश हो सकती है, जो नेचुरली डीके हो सकती है, नेचुरली खराब हो सकती है, जिसकी लाइफ दो या तीन दिन ही है, तो उसको जिस मैनर में वो चाहे वो डिस्पोज कर सकते हैं, मैनर उसका प्रिस्क्राइब होगा रूल्स में. साथ ही साथ लिखा एवरी सर्च और सीजर मेड अंडर दिस सेक्शन. कह रहे जो ये सर्च और सीजर की प्रैक्टिस ये चल रही है, इट शुड बी कैरीड ऑन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी 1973. सर जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में सर्च एंड सीजर का तरीका दिया है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे डायरेक्टर्स कंट्रोलर्स लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर्स उस सर्च सीजर इंस्पेक्शन को कंडक्ट करेंगे. ठीक है सर.
तो यहाँ पे कुल मिला के हमारे तीन क्वेश्चंस हो गए बच्चे। तीन क्वेश्चंस कौन कौन से हो गए? एक, सबसे पहले नंबर पे हम लोगों ने लीगल मेट्रोलॉजी का मीनिंग समझ लिया। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने प्री पैकेज्ड कॉमोडिटी की डिक्लेरेशन को पढ़ा। फिर ये भी देखा कि प्री पैकेज्ड कॉमोडिटी में क्या क्या चीज़ें डिक्लेयर करनी होती हैं। फिर ये भी देखा कि अगर आपने वो डिक्लेरेशन नहीं की तो क्या पेनल्टी लगेंगी। फिर अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि क्या कुछ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट कुछ पर्टिकुलर पर्संस को पावर देता है रिगार्डिंग सर्च इंस्पेक्शन सीजर। तो हम लोगों ने बोला यस, लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर्स डायरेक्टर्स कंट्रोलर्स इनको पावर है कि सीआरपीसी के प्रोसेस को फॉलो करते हुए प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ये सर्च एंड सीजर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन थ्री मार्क्स, तीन मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। डिफाइन स्टैम्प, कहते हैं स्टैम्प क्या है अंडर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। कह रहे हैं इसके लिए मैं आपको कुछ फोटोज दिखाना चाहूंगा, देखिए जरा यहाँ पे सामने। कह रहे हैं जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोई भी पर्टिकुलर वेइंग मशीन होती है, कोई भी पर्टिकुलर ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं, तो उसके पीछे या आगे देखिए इस तरीके से एनग्रेव्ड इमेज बनी होती है, एक थप्पा लगा होता है, एक स्टैम्प लगा होता है, एंड वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट है, वो स्टैम्प एक तरीका है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये मशीन सर्टिफाइड है एज पर दी स्टैंडर्ड्स जो मेंटेन होने चाहिए थे। तो सर हम ऐसे बोल रहे हैं इसको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स की तरीके से यूज किया जा सकता है। जैसे यहां पे हम इसको बोल रहे हैं कि इट इज कार्व्ड, CARVED, कह रहे हैं ये क्रैविंग का तरीका है। यहां पे देखिए ये कि मोहर लगी हुई है और इस मोहर से कास्ट कर दिया जाएगा, कास्टिंग हो जाएगी, छपाई हो जाएगी, थप्पा लग जाएगा, कास्टिंग वर्ड इज यूज्ड, कास्टिंग। फिर सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है एनग्रेविंग, देखिए यहां पे देखिए चाबी के ऊपर इस तरीके से इसको एनग्रेव कर दिया गया है, दिस इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ स्टैम्पिंग। फिर इस तरीके से एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया कास्टिंग, एक पढ़ दिया हम लोगों ने अभी इनग्रेविंग। फिर इस तरीके से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से इस पर्टिकुलर एक बिस्किट पे एक बार पे मेंशन किया गया है अबाउट द मार्क, इसको बोला गया इचिंग। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके से आप स्टैम्प यूज कर सकते हैं। तभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि एज पर सेक्शन 2 क्लॉज टी, ध्यान से, स्टैम्प मीन्स अ मार्क, एक मार्क है मेड बाय इंप्रेसिंग, इंप्रेस कर देना, थप्पा लगा देना, कास्टिंग, एनग्रेविंग, इचिंग, ब्रांडिंग, अफिक्सिंग प्री असेस्ड पेपर सील। प्री स्ट्रेस्ड पेपर सील का मतलब है कि ऑलरेडी एक सील आई है और आपने उसको बस फिक्स कर दिया है स्क्रू से, लेट से, और एनी अदर प्रोसेस इन रिलेशन टू एनी वेट और मेजर विद अ व्यू टू। कह रहे हैं ये जो स्टैंपिंग लगाई जा रही है, ये मार्क जो लगाया जा रहा है इन डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू, इन डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू क्यों लगाया जा रहा है? कह रहे हैं टू सर्टिफाई दैट सच वेट और मेजर कन्फर्म्स टू द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट। कह रहे हैं जो स्टैंडर्ड्स इन वेइंग मशीन्स को, इन वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स को, इन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को फॉलो करना चाहिए था, सर ये स्टैम्प इस चीज का प्रूफ है कि हाँ ये फॉलो हो रहा है। सेकेंड नंबर, इट इंडिकेट्स डेट एनी मार्क विच वॉज प्रीवियसली मेड देयर ऑन सर्टिफाइंग डेट सच वेट और मेजर कन्फर्म्स टू द स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड बाय और अंडर दिस एक्ट हैज बीन ऑबिलिटेड। कह रहे हैं अगर कोई पर्टिकुलर मार्क ऑलरेडी से पहले बना हुआ है तो इस स्टैम्प के थ्रू ये पता लग जाएगा कि उस मार्क की वजह से आपके इंस्ट्रूमेंट पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी, हम ऐसे बोलते हैं कि कोई वेइंग मशीन है, कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पहले गड़बड़ थी और अब वो सर्टिफिकेट लगा दिया गया और ऐसा बोल दिया गया कि अब वो गड़बड़ खत्म हो गई। तो ये कुछ चार क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किए। एक बार फटाफट से आप इसको पहले एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, एक फटाफट से रिवीजन मारिए, देन जो रिमेनिंग तीन क्वेश्चंस हैं हम लोग उसको भी कवर करते हैं। तो पहले एक बार इसको पढ़ लीजिए, दो मिनट का या पांच मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, पांच मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, जरा पहले इन चार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, चलो अच्छा, तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पीछे वाले सेक्शंस रिवाइज कर लिए, सेक्शन 36 कर लिया, सेक्शन 18 कर लिया, सेक्शन 15 कर लिया। वापस से याद दिला दूँ, सेक्शन 36, सेक्शन 18 हम लोगों ने पीछे किया प्री पैकेज्ड कॉमोडिटी के रिगार्डिंग। फिर उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 15 किया सीजर के रिगार्डिंग, स्टैम्प की डेफिनेशन कर ली। अच्छा, सेक्शन 15 आपको ध्यान है, सेक्शन 15 में हम लोगों ने बोला था कि डायरेक्टर कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर्स उनके पास पावर है सर्च की, इंस्पेक्शन की, सीजर की। अब हम लोग देखने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 16, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कहते लिखा है एवरी नॉन स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर यूज टू द कोर्स ऑफ ट्रेड इज लायबल टू बी फोरफीटेड। कहते हैं मतलब जो ऐसे स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स हैं जिनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया और अगर आप उनको यूज कर रहे हो, जिनको हम नाम दे रहे हैं नॉन स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर या अनवेरीफाइड वेट एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स और यूनिट्स, तो इन दैट सिचुएशन आपके प्रोडक्ट को फोरफीट किया जाएगा। कहते देखते कैसे लिखा है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, फोरफीचर इज जस्ट लाइक कॉन्फिसिकेशन, जो हम लोगों ने एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट में पढ़ते थे। सीजर वहां पे भी होता था, बट सीजर के बाद चेक किया जाता था कि कॉन्फिसिकेशन होनी है कि नहीं होनी, सेम वहीं पे यहां पे वर्ड यूज हुआ है फोरफीचर। आइए देखते क्या लिखा है। कह रहे लिखा सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट एवरी नॉन स्टैंडर्ड, मार्क करिए, एवरी नॉन स्टैंडर्ड और अनवेरीफाइड वेट और मेजर एंड एवरी पैकेज यूज इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एनी ट्रेड एंड कॉमर्स एंड सीज्ड अंडर सेक्शन 15।
कहते हैं, हम ऐसे बोल रहे हैं, कोई भी नॉन स्टैंडर्ड वेट और मेजर, कोई भी अनवेरीफाइड वेट और मेजर, या कोई भी पैकेज जिसमें प्री डिक्लेरेशन कॉमोडिटीज, जो प्री डिक्लेरेशन होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर कॉमोडिटी जिसमें ये पर्टिकुलर एक्ट एप्लीकेबल था और इस पर्टिकुलर एक्ट के प्रोविजंस का वायलेशन हुआ जिसकी वजह से सेक्शन 15 में उसको सीज कर दिया गया, देन दे डैट ऑल विल बी लायबल टू बी फोरफीटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। सर वो सारी की सारी चीज़ें फोरफीट कर लेगी कौन? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन सर इसमें एक प्रोविजो दिया और नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा, हाउएवर सच अनवेरीफाइड वेट और मेजर शैल नॉट बी फोरफीटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट इफ, कह रहे हैं वो जो अनवेरीफाइड है, ध्यान रखिएगा सिर्फ क्या वर्ड यूज हुआ है, अनवेरीफाइड, ऐसे वेट एंड मेजर जिनका वेरिफिकेशन होना चाहिए था बट आपने वेरिफिकेशन नहीं कराया हुआ और वेरिफिकेशन कराने से पहले ही आप उसको ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ में यूज़ करने लग गए तो उसका सीजर होगा, स्टेट गवर्नमेंट फोरफिट कर सकती है। लेकिन हम ऐसे बोल रहे हैं कि अगर वो कॉमोडिटीज़ अनवेरीफाइड हैं और आपको वो सीजर हो चुकी हैं तो फोरफीचर से पहले एक मौका दिया जाएगा, इफ़ द पर्सन फ्रॉम होम सच वेट और मेजर वॉज सीज्ड गेट्स द सेम वेरीफाइड एंड स्टैम्प्ड विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कहते हैं अगर वो पर्टिकुलर पर्सन उन अनवेरीफाइड वेट और मेजरमेंट का वेरीफिकेशन करा लेता है या फिर हम बोलें उसको स्टैम्पिंग करवा लेता है, सर्टिफिकेट ले लेता है रिगार्डिंग इट ऑथेंटिसिटी, तो इन दैट सिचुएशन उसको फोरफीचर नहीं किया जाएगा और वो पर्टिकुलर पर्सन उसकी कॉमोडिटी का यूज़ कर सकता है। लास्ट में लिखा, एवरी वेट मेजर और अदर गुड सीज्ड अंडर सेक्शन 15 बट नॉट फोरफीटेड, कह रहे हैं कॉमोडिटीज सीज हुई लेकिन फोरफीचर नहीं हुआ, क्योंकि मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर्स को बाद में किसी भी तरीके का वायलेशन नहीं दिखा, स्टार्टिंग में लग रहा था, डाउट अराइज हुआ, बाद में नहीं मिला, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो पर्टिकुलर पार्टी थी उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड मिला, उसने ऐसे फैक्ट्स प्रेजेंट किए जिसकी वजह से वो अपने केस को डिफेंड कर लेगा, तो उन पर्टिकुलर कॉमोडिटीज का सीजर तो हुआ था अंडर सेक्शन 15 बट फोरफीचर नहीं हो रहा सेक्शन 16 में, देन दे ऑट विल बी डिस्पोज ऑफ बाय सच अथॉरिटी इन द मैनर प्रिस्क्राइब। तो डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, डिस्पोज ऑफ करने का मतलब है अगर कॉमोडिटी नेचुरल डीके की वजह से सेल हो चुकी थी तो उसका कंसर्न अमाउंट जो रिकवर हुआ था वो पार्टी को दे दिया जाएगा, और अगर अभी तक सीजर पड़ा हुआ है खाली फोरफिट नहीं हुआ तो कॉमोडिटी वापस भी की जा सकती है। चलो नाउ कमिंग अपॉन द टू बेसिक क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनका प्रोविजन से तो एज सच बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है बट अलग से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो समझ नहीं आता कि इसका आंसर क्या लिखें। लाइक द क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेलियंट फीचर्स ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। कहते हैं इस लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट आने से पहले बहुत लोग एज सच एक्टिविटीज़ ऐसी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते थे जहाँ पे कंज्यूमर्स का बहुत नुकसान हो रहा था और उन्हीं माल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए पर्टिकुलर एक्ट आया जो हम लोग ऑलरेडी पूरे केस पूरे पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तभी लिखा, इट इज़ अ राइट ऑफ एवरी बायर टू हैव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नेट वेट और क्वांटिटी प्राइस एंड अदर इन्फॉर्मेशन ऑफ द कॉमोडिटी ही बायस, और यही हम लोग प्री डिक्लेरेशन दे रहे थे एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी में, प्री पैकेज्ड कॉमोडिटी में डिक्लेरेशन दे रहे थे। किसके बारे में? इन्फॉर्मेशन के बारे में, रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग नेट वेट, कितना वेट है एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी का, उसमें कितनी क्वांटिटी है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉमोडिटी, या अदर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हम लोगों ने बहुत सारी देखी, मैन्युफैक्चरर्स की डिटेल, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, कस्टमर ग्रीवेंस हेल्पलाइन नंबर, ये सब चीजें उसमें दी है। ठीक है, कहते बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, इस एक्ट के आने से पहले देयर वर लॉट्स ऑफ नॉन स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस। इस लॉ के आने पहले बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी, मैल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट हो रही थी, आप लिख भी लीजिएगा भली, मैल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट हो रही थी। कहते हैं फॉलोड इन मैल प्रैक्टिसेस फॉलोड इन द कंट्री, देयर वर नो रूल्स रिगार्डिंग क्वांटिटी और वेट टू बी कंटेन्ड इन पैकेज। कहते हैं जो आज प्री पैकेज्ड कॉमोडिटी पर डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग रूल्स हैं वो रूल्स पहले नहीं थे। Consumers were being cheated by sellers by putting less quantity or weight or by giving false information on package. कहते consumers को बेवकूफ बनाया जाता था क्योंकि उसमें सही information नहीं दी जाती थी क्योंकि इसके regarding कोई specific law नहीं बना हुआ था। And to curb all such malpractices, the Legal Metrology Act has been introduced. और इन सारी practices को control करने के लिए, रोकने के लिए ये particular law लाया गया। और इस particular law के salient features क्या लिखे हैं? Like पहले number पे लिखा, it establishes and enforces standards of weights and measures. कहते हैं इन लोगों ने एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट दे दिया है और उस फॉर्मेट को हमको फॉलो करना है, उसको इन्फोर्स कर दिया है कि आपको ऐसे वेट एंड मेजरमेंट यूनिट्स ही यूज़ करने हैं, ऐसे वेट्स एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स ही यूज़ करने हैं, टू रेगुलेट ट्रेड एंड कॉमर्स इन वेट एंड मेजर्स एंड अदर गुड्स विच आर सोल्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड बाई वेट मेजर और नंबर। जितनी भी कॉमोडिटीज़ ऐसी हैं जिनको वेट के बेसिस पे, मेजरमेंट के बेसिस पे से बेचा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उन पर ये पर्टिकुलर एक्ट एप्लीकेबल किया गया।
अच्छा, हम ऐसे भी बोल रहे हैं, अब एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है, तो ईच एंड एवरी पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू फॉलो दिस पर्टिकुलर एक्ट या ईच एंड एवरी पर्सन अपॉन विच दिस पर्टिकुलर एक्ट इज एप्लीकेबल, उनको वो स्टैंडर्डाइज मैनर में ही वर्क करना है. अगर वो नहीं करेंगे देन इन दैट सिचुएशन उनको पेनल प्रोविजन फेस करने होंगे. सेकेंड, इट सजेस्ट दैट एवरी यूनिट ऑफ मेजर शैल बी एज पर मेट्रिक सिस्टम बेस्ड ऑन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. अभी इसके रिगार्डिंग हम एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे. कहते हैं जो हर एक पर्टिकुलर मेजरमेंट की जो यूनिट है, वो जो यूनिट है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अडॉप्ट करेगी, जिससे कि जब हम ऐसे बोलते हैं ना कि ट्रेड बैरियर नहीं होना चाहिए बिटवीन टू कंट्रीज, और हम ऐसे भी बोलते हैं कि जब हम ग्लोबल लेवल पे वर्क करते हैं तो हम ऐसी यूनिट्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है. तभी बोल रहे हैं कि यहाँ पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में सजेस्ट किया जा रहा है कि मेजरमेंट की जितनी भी यूनिट्स हैं दे शुड बी एज पर मेट्रिक सिस्टम बेस्ड ऑन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ठीक है, तो हम एक तरीके से ऐसे बोलेंगे कि हम एक तरीके से कोलैबोरेट कर रहे हैं विद दी अदर स्टैंडर्ड्स, विद अदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. थर्ड नंबर पे लिखा, इट ऑथराइज सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट डायरेक्टर कंट्रोलर एंड अदर लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर्स, जिनके रिगार्डिंग हम लोगों ने सर्च एंड सीजर का क्वेश्चन पढ़ा नीचे सेक्शन 15 में. और हम यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि इन पर्टिकुलर ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी कंसर्न पर्सन के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल है वो इन पर्टिकुलर पर्सन पर नजर बना के रखें कि वो एक्ट के प्रोविजन फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे. फोर्थ नंबर, इट प्रोवाइड्स फॉर डिक्लेरेशन ऑन प्री पैकेज कॉमोडिटी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी सेक्शन 18, सेक्शन 36 पूरा इसी पे पढ़कर आए थे. उसके बाद कहते हैं डील्स विद द ऑफेंसेस फॉर द यूज ऑफ नॉन स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस. ये जो लिखा ना फॉर यूज ऑफ नॉन स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स, इसके रिगार्डिंग ये भी हम लोगों ने फोर फीचर पढ़ा था कि अगर आप नॉन स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स या अनवेरीफाइड वेट एंड मेजर्स का यूज़ करोगे तो ऑफेंस तो है ही है, कंपाउंडेबल ऑफेंस भी है. कंपाउंडेबल होने का मतलब आपसे फाइन पे करवा के कॉमोडिटी वापस की जा सकती है, बट इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द अथॉरिटीज. ठीक है, और लास्ट में लिखा, इट इम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स टू अप्लाई प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे पावर दे दी गई कि वो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट को इंप्लीमेंट कराने के लिए अगर कुछ रूल्स फ्रेम करना चाहते हैं तो दे कैन फ्रेम दैट. ठीक, तो ये था हमारे पास सेलियन फीचर. इस सेलियन फीचर में मैंने कोशिश की है सिर्फ कि वही पॉइंट लिखूं जो पॉइंट्स अभी आप लोग क्वेश्चंस में पढ़कर आए हैं, जैसे कि आपको अलग अलग लर्न ना करना पड़े. चलो, नाउ कमिंग अपॉन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, जो हम लोग आज लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर का, वो है व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में बोल रहे हैं OIML, और इस OIML का एक सर्टिफिकेशन सिस्टम भी है फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है. कहते हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी है, ये ग्लोबल लेवल पे कोशिश कर रहा है कि जो मेट्रोलॉजी के बेसिक नॉलेज है वो हर एक पर्टिकुलर कंट्री में सरपास की जाए, पास करवाई जाए, साथ ही साथ हर एक पर्टिकुलर कंट्री ना एक तरीके का कोलैबोरेशन कर ले, जिससे कि होगा क्या कि जो ये इंटरनेशनल यूनिट्स हैं जब ये हर कंट्री अडॉप्ट करने लग जाएगी, तो जब ग्लोबल लेवल पे ये पर्टिकुलर सिस्टम मेट्रोलॉजी सिस्टम एप्लीकेबल हो जाएगा तो जो ये मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं किसी भी जगह पर उनको रोकने में हेल्प मिलेगी. तभी कहते हैं, देखो ध्यान से, कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ इस लीगल मेट्रोलॉजी पर ही काम करता है, इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने एक ट्रीटी साइन की है जो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को फॉलो करती है. हमारे इंडिया में भी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को फॉलो किया जाता है. वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी. कहते हैं ये क्या करते हैं, डेवलप्स मॉडल रेगुलेशंस. मॉडल का मतलब है इट्स लाइक स्पेसिमेन. लाइक हम लोग पढ़ते हैं कंपनी लॉ में टेबल ABCDE, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के रिगार्डिंग मॉडल आर्टिकल्स और मॉडल मेमोरेंडम दिए हुए हैं. सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी बोला गया है कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये मॉडल रेगुलेशंस तैयार करता है, स्टैंडर्ड्स तैयार करता है एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फॉर यूज बाय लीगल मेट्रोलॉजी अथॉरिटीज एंड इंडस्ट्री एंड अथॉरिटीज. अब यहाँ पे अथॉरिटीज दे आर लाइक गवर्नमेंट अथॉरिटीज, और इंडस्ट्री इट्स लाइक बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर, पैकर्स, जिनके ऊपर ये पर्टिकुलर एक्ट एप्लीकेबल है उनके ऊपर किस जिस तरीके की रेगुलेशन अप्लाई हो रही है, उन रेगुलेशंस का एक स्पेसिमेन अगर उनको मिल जाए कि उनको क्या क्या फॉलो करना है, किस तरीके से फॉलो करना है, किन स्टैंडर्ड्स को मैच करना है, अगर ये उनको पता लग जाए तो ये बहुत हेल्पफुल होता है. और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमको इसकी हेल्प करता है, ये डेवलप करता है ऐसे रेगुलेशंस, ऐसे स्टैंडर्ड्स जो फॉलो करें हों, जो फॉलो करने चाहिए अथॉरिटीज़ को, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को भी और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी. ठीक है, सेकंड नंबर, इट प्रोवाइड्स म्यूचुअल रिकॉग्निशन सिस्टम विच रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स एंड कॉस्ट इन अ ग्लोबल मार्केट. क्योंकि जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में जो सिस्टम अडॉप्ट किया जा रहा है वो सारी गवर्नमेंट्स ट्रीटी साइन करके एक साथ अडॉप्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से एक म्यूचुअलिटी होगी, एक यूनिवर्सैलिटी क्रिएट होगी. क्या क्रिएट होगी, यूनिवर्सैलिटी.
इस यूनिवर्सैलिटी की वजह से होगा क्या कि ग्लोबल लेवल पे जो ट्रेड बैरियर्स हैं बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, उनको ग्लोबल मार्केट पे रिड्यूस किया जाएगा, क्योंकि जब एक जगह सिस्टम फॉलो हो रहा होगा तो किसी को भी अडॉप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट को। कहते हैं इट रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी कम्युनिटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड फोरम्स कंसर्न विद मेट्रोलॉजी स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग सर्टिफिकेशन एंड अक्रेडिएशन। कहते हैं ये रिप्रेजेंट करती है लीगल मेट्रोलॉजी कम्युनिटी को, एक तरीके से हम ऐसे बोलें कि कभी भी अगर लीगल मेट्रोलॉजी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन रेज होगा ग्लोबल लेवल पे, तो इन दैट सिचुएशन जो ये OIML ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है रिगार्डिंग लीगल मेट्रोलॉजी, ये रिप्रेजेंट करेगा इस लीगल मेट्रोलॉजी की कम्युनिटी को, ये सजेस्ट करेगा, ये फोरम्स के सामने प्रेजेंट करेगा कि क्या इनकी टेस्टिंग टेक्निक्स हैं, क्या इन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, क्योंकि हम ऐसे बोल रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड्स डेवलप करते हैं फिर हम उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे बोला जा रहा है कि जो स्टैंडर्ड्स डेवलप किए गए हैं वो किस मैनर में डेवलप किए गए हैं, ये तो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही पता लगेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन ही बताएगा कि जो स्टैंडर्ड्स डेवलप हुए हैं, जो टेस्टिंग टेक्निक्स हैं या जो सर्टिफिकेट्स ये अलॉट करती है वो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी। ठीक है, फिर थर्ड फोर्थ नंबर पॉइंट लिखा, इट प्रमोट्स एंड फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसीज विद इन लीगल मेट्रोलॉजी कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड। कहते हैं जो लीगल मेट्रोलॉजी कम्युनिटी है जो इस पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज चाहती है या जो रिसर्च ये ऑर्गेनाइजेशन करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन ये पर्टिकुलर रिसर्च को एक्सचेंज करती है विद अदर लीगल मेट्रोलॉजी कम्युनिटी, जिससे कि वो भी डेवलप हो सके। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो ये हेल्प करने में ज़्यादा आगे रहता है, क्योंकि इनका पूरा फोकस इस लीगल मेट्रोलॉजी कम्युनिटी के डेवलपमेंट पे ही है। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन विद डिफरेंट लीगल मेट्रोलॉजी कम्युनिटीज, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। और लास्ट में आए तो कहते हैं इट कॉपरेट्स विद अदर लीगल मेट्रोलॉजी बॉडीज टू रेज अवेयरनेस ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन डेट अ साउंड लीगल मेट्रोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कैन मेक टू अ मॉडर्न इकोनॉमी। कहते हैं फिर ये कॉपरेट करता है किसके साथ, विद अदर लीगल मेट्रोलॉजी बॉडीज, जैसे कि लोगों में अवेयरनेस आ सके, इंडस्ट्रियलिस्ट को इस पर्टिकुलर एक्ट के मेन मुद्दे का मतलब समझ में आ सके, कंज्यूमर इस पर्टिकुलर एक्ट के बेनिफिट्स को ले सके, और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जो मॉडर्न इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि OIML इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल पे इस लीगल मेट्रोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है और एक तरीके से हेल्प कर रहा है टू अदर लीगल मेट्रोलॉजी अथॉरिटीज एंड कम्युनिटीज कि वो भी इस तरीके से डेवलप हो पाए। नाउ कमिंग अपॉन द वेरी बेसिक क्वेश्चन कि वॉट आर द वेरियस अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर OIML, इस ऑर्गेनाइजेशन के और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जो ऊपर वाले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े ये ऑर्गेनाइजेशन के खुद के दिए हुए ऑब्जेक्टिव्स थे, ये उनका काम था कि वो क्या कर रहे हैं। कहते हैं सिंपल वर्ड्स में लिखें तो लिखा टू प्रमोट द ग्लोबल हार्मोनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रोसीजर्स, कि सर जो ग्लोबल लेवल पे डिफरेंट लीगल प्रोसीजर्स चल रहे हैं ना, ये जो लीगल मेट्रोलॉजी प्रोसीजर्स हैं इनको हार्मोनाइज कर दिया जाए। जैसे हम लोगों ने वर्ल्ड लिखा था यूनिवर्सैलिटी, कि ये प्रिंसिपल्स इस तरीके से फ्रेम हो जाएं, ये प्रोसीजर्स इस तरीके से फ्रेम हो जाएं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही प्रोसीजर फॉलो, यूनिवर्सैलिटी आ जाएगी तो डिफरेंस रह ही नहीं जाएगा। टू डेवलप अ वर्ल्ड वाइड टेक्निकल स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जाए जो वर्ल्ड वाइड हो, जो ग्लोबल लेवल पर अडॉप्टेबल हो। थर्ड, टू प्रोवाइड इट्स मेंबर्स विद स्पेसिफिक मेट्रोलॉजिकल गाइडलाइंस, जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है वो इन पर्टिकुलर मेट्रोलॉजिकल गाइडलाइंस को फॉलो करे, और इन मेट्रोलॉजिकल गाइडलाइंस को फॉलो करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन पूरी इन पर रिसर्च कर चुका है तो वो इस पर रिलाय कर सकता है। टू एस्टैब्लिश एंड इन्फोर्स स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर्स, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट तैयार करवाया जाए, उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को एस्टैब्लिश किया जाए, साथ ही साथ उसकी इन्फोर्सिबिलिटी, उसकी इंप्लीमेंटेशन पर फोकस करो। साथ ही साथ लिखा टू कंट्रोल ओवर पैकेज कॉमोडिटी, जो ऑलरेडी हम ऊपर लिख चुके हैं कि पैकेज कॉमोडिटी की जो प्री डिक्लेरेशन हैं, जो प्री पैकेज कॉमोडिटी की डिक्लेरेशन है, उन पर बहुत फोकस किया जा रहा है क्योंकि उससे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है टू द कस्टमर्स। टू एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट डायरेक्टर कंट्रोलर एंड लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर्स, इसके बारे में ये था। अच्छा, यहाँ पे ये लाइन मैंने अलग करनी थी बट अलग हो नहीं पाई, यहाँ तक ये पॉइंट है। अब इसके बाद जो हेडिंग है वो क्या है, व्हाट इज OIML सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कहते हैं जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो वेइंग मशीन्स या वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं या जितने भी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो इस ऑर्गेनाइजेशन से एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं रिगार्डिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ देयर इंस्ट्रूमेंट। इट्स लाइक कि जैसे मान लीजिए कि एक मिस्टर एम है और मिस्टर एम एक मैन्युफैक्चरर हैं और ये मैन्युफैक्चर करते हैं क्या चीज़, सर ये एक वेइंग इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं। क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? एक वेइंग इंस्ट्रूमेंट। और सर हम ऐसे बोल रहे हैं कि ये वेइंग इंस्ट्रूमेंट रिलायबल है या नहीं है, इस पर्टिकुलर वेइंग इंस्ट्रूमेंट के जो स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए थे वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसके लिए मैन्युफैक्चरर इस वेइंग इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग OIML सर्टिफिकेट ले लेता है। OIML सर्टिफिकेट का मतलब है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी है उसकी सारी गाइडलाइंस इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर ने इस वेइंग मशीन को बनाने से पहले फॉलो की है, और ये वेइंग मशीन
मशीन हमको एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, हम इस पर रिलाई कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग ये सर्टिफिकेट देता है। अब किसी मैन्युफैक्चरर के पास अगर OIML सर्टिफिकेट है, दिस मींस कि उसका प्रोडक्ट ऑथेंटिक है। तभी यहाँ लिखा है द OIML सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड्स दी, ध्यान से मार करिए, पॉसिबिलिटी फॉर अ मैन्युफैक्चरर टू ऑब्टेन एन OIML सर्टिफिकेट एंड अ टेस्ट रिपोर्ट। सर OIML ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे टेस्टिंग होगी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की और उसे एक टेस्ट रिपोर्ट दी जाएगी विच इंडिकेट्स दैट अ गिवन इंस्ट्रूमेंट टाइप और पैटर्न कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रिलेवेंट OIML इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस। कि सर जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसकी टेस्टिंग इन्होंने की है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करता है, क्या वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट जो उनकी कंडीशंस है उनको फॉलो करता है। अगर करता है तो OIML ऑर्गेनाइजेशन उसको एक सर्टिफिकेट दे देगा और मैन्युफैक्चरर के लिए सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि वो हर जगह इसको डिस्प्ले कर सकता है कि यस उसका प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है। और इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट की अगर इंडिया में इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है तो ग्लोबल लेवल पे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ऑल्दो इंडियन अथॉरिटीज भी इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट पे बहुत ज़्यादा रिलाई करती हैं, क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन की टेस्टिंग टेक्निक्स हैं वो बहुत डेवलप्ड हैं और अगर कोई उन टेस्टिंग टेक्निक्स की स्टैंडर्ड को फुलफिल कर रहा है तो दिस मीन्स उसका प्रोडक्ट वेल एंड गुड है, बेस्ट है। तो दीज वर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस लीगल मेट्रोलॉजी ऐप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हम लोगों ने जो डिस्कस किए। आज की क्लास के लिए इतना ही, इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करिएगा बच्चे क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको आते होंगे तो लिख लेंगे, नहीं आते होंगे तो शायद कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। ये वो कुछ गिने चुने क्वेश्चंस थे क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम बताएं क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम चैप्टर पढ़ लेते हैं तो कुछ ना कुछ तो हम लिख लेते हैं बट कुछ क्वेश्चंस फिर भी ऐसे रह जाते हैं जहाँ हमको समझ में ही नहीं आता कि हमको क्या लिखना है या हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो ये वो कुछ गिने चुने क्वेश्चंस थे जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया। तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंजॉय योर डे, होप्स आपको समझ में आया, अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा। और आपको अगर किसी और पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस की चाहिए डिमांड हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए या किस पर्टिकुलर चैप्टर पर स्पेसिफिकली फोकस किया जाए, तो उस तरीके से फिर हम क्लासेस को फ्रेम कर लेंगे। नहीं तो टिल देन जो भी प्रोसीजर चल रहा है, जो ये सीरीज चल रही है, सीरीज को तो हम कंटिन्यू रखेंगे ही टिल योर एग्जामिनेशन। तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर डे, एंजॉय योर डे, गुड बाय, बाय।